नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शमायल खान और हर बार की तरह इस बार भी मैं लेकर आई हूं कुछ ऐसी खबरें जो महिलाओं की प्रगति को दर्शाती हैं, कुछ ऐसे मुद्दे जो होते तो हैं खास पर रह जाते हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए जानते हैं क्या है खास हमारी आज की इस पेशकश में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर बात करेंगे हमारी एक्सपर्ट से, जानेंगे इंजीनियरिंग फील्ड में नए विकल्पों के बारे में, देखेंगे आंखों की बीमारी से जुड़ी एक रिपोर्ट, देखेंगे स्कूल लेवल पर ही बच्चों की ग्रूमिंग पर एक रिपोर्ट, जानेंगे मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर के बारे में, ले चलेंगे आपको प्रोफेशनल ग्रूमिंग पर एक सेमिनार में और देखेंगे किस तरह से बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। और चलिए अब जानते हैं किस तरह लेटेस्ट टेक्निक से आंखों की परेशानी से निजात पाई जा सकती है। कहते हैं खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, लेकिन आज कई कारणों की वजह से महिलाओं में आंखों से संबंधित बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और बायोपिया जैसी बीमारी की वजह से महिलाओं को चश्मे का सहारा लेना पड़ता है, जो उनकी खूबसूरती पर तो असर डालता ही है, साथ ही उनके कॉन्फिडेंस को भी लो करता है। हालांकि आज ऐसी कई टेक्निक्स आ गए हैं जिसमें लेजर ऑपरेशन के जरिए बहुत आसानी से आप ऐसी बीमारी से निजात पा सकती हैं। मतलब पहले मेरा आईसाइट काफी वीक था और मैं कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह स्पेक्स वगैरह यूज करती थी, काफी दिक्कत आती थी मुझे। मेरा ऑपरेशन हो गया और हार्डली मुझे 10-15 मिनट्स लगे ऑपरेशन में। -2 नंबर है मेरा, तो आई जस्ट वांटेड टू रिमूव माय स्पेक्स। एट प्रेजेंट आई एम हियर फॉर टेस्टिंग, आफ्टरवर्ड्स आई विल गो फॉर द ऑपरेशंस पार्ट। लेसिक एक विधि है जिससे कि चश्मे का नंबर दूर का उतर जाता है, चाहे वो माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, चाहे सिलिंड्रिकल नंबर जिसको हम एस्टिगमेटिज्म बोलते हैं। आई लेसिक विधि है जिसको हम कस्टम व्यू तरीके से करते हैं, जो इंड्यूस्ड एवरेशंस कम होते हैं और जो पहले से एवरेशंस होते हैं उसको हम निकाल देते हैं, तो क्वालिटी निगाह की बहुत अच्छी बन जाती है और ये आगे जब तक कि मरीज की आंख चेंज नहीं होती तब तक ये चलती है और हमेशा के लिए करीब करीब मरीज को अच्छी निगाह देती है। 98% लोगों में दोबारा ऑपरेशन की या चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मार्केट में इंटरलेस मशीन, कस्टम विद IR मशीन, IFS जैसे कई एडवांस लेजर टेक्निक मौजूद हैं, जिससे सर्जरी के बिना ही आंखों का ऑपरेशन महज 5-10 मिनट में हो जाता है। ये ऑपरेशन ब्लेडलेस होता है, इसीलिए कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी कम होते हैं। देखिए, ब्लेड फ्री टेक्निक जो है वो ब्लेड वाले से बहुत अच्छी कारगर है कि उसमें एक कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम होता है, लेज़र से सारा फ्लैप बनाते हैं, तो उसमें फ्लैप की थिकनेस है जो वो उसी हिसाब से मिलती है जितनी हम चाहते हैं। जबकि ब्लेड वाले टेक्निक में कई बार हम फ्लैप जो 100 माइक्रोन का लेना चाहते थे और उसका जो बनता था वो तकरीबन 160-170 कभी कभार 200 माइक्रोन का भी फ्लैप बनता था, तो इससे आँख की कॉर्निया और कमज़ोर हो जाती थी, तो ये उसके साइड इफेक्ट थे। इसी कारण जो इनकी साइड इफेक्ट को कवर करने के लिए जो ब्लेड फ्री ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है, तो इससे पेशेंट को लंबे समय तक अच्छी नज़र दी जा सकती है। आमतौर पर 40 से 45 साल के उम्र वालों को कमजोर नज़र की प्रॉब्लम होती है, जिसे प्रेसबायोपिया कहते हैं। दरअसल आंखों के लेंस प्रोटीन के बने होते हैं, ऐसे में डायबिटीज, उम्र के प्रभाव, स्मोकिंग, डस्ट और इंजरी से लेंस को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन समय रहते यदि इलाज करवा लिया जाए तो आप आंखों की रोशनी को पहले जैसा भी कर सकते हैं। अक्सर 40 साल की उम्र के बाद लोगों को नज़दीक का चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है, या आपने देखा होगा दूर करके लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, मतलब उनको क्या कंडीशन होगी जिसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया, मतलब नज़दीक का चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है और ये करीब करीब 100% लोगों को लगानी पड़ती है 40-45 साल की उम्र के बाद। लोगों के लिए नई विधि आई है जिसको हम बोलते हैं प्रेस बी मैक्स, वो मशीन हम लेके आए हैं, लेज़र मशीन, जिससे प्रेस बी मैक्स किया जा सकता है। ये लेज़र विधि है, एक लेसिक है प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए। इससे वो लोग जिनका दूर का चश्मा है और साथ में नज़दीक का भी चश्मा लगाना पड़ता है वो भी ठीक हो सकता है, वो लोग जिनकी दूर की निगाह ठीक है सिर्फ नज़दीक का चश्मा है वो भी ठीक हो सकता है। आंखें एक बहुमूल्य चीज़ है, इसको संभाल के रखें। बच्चे जब निगाह कमज़ोर हो तो चश्मा ज़रूर लगाएं, चश्मा लगा के पढ़ें। अगर कोई 18 साल से ऊपर का है तो वो लेसिक करवा सकता है, चश्मा उतरवा सकता है। अगर कोई बुज़ुर्ग है और उसको शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो उसकी सावधानी बरतें, उसको कंट्रोल में रखें और समय समय पे आंखों की जांच करवाएं। अगर आंखों में पानी और जलन की समस्या होती है या आपको धुंधला दिखता हो तो अपने आंखों का जांच तुरंत करवाएं। हालांकि इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, जरूरत इस बात की है कि आप अपने आंखों का ख्याल रखते हुए कुछ सावधानियां बरतें।